भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एक दिवसीय नवलगढ़ दौरे पर रहे। धनखड़ ने भाजपा कार्यालय डुंडलोद में कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक ली। भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा ने बताया, समन्वय बैठक में प्रमुख कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर सुझाव लिए और किस प्रकार से प्रभावी जीत नवलगढ़ विधानसभा में भाजपा कर सकती है, इसके लिए सदस्यों को अलग अलग दायित्व सौंपे। मंडल पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद आज तक नवलगढ़ विधानसभा में भाजपा का कमल नहीं खिला है, लेकिन कल से वो झुंझुनू जिले के दौरे पर हैं और उन्होंने जितना फीडबैक अभी तक नवलगढ़ विधानसभा को लेकर लिया है उसमें यह निकलकर आया कि नवलगढ़ विधायक की तानाशाही और कांग्रेस की विफलता से आमजन त्रस्त है। बैठक में मनोज बाटड, जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी, सुभाष लांबा, सुमन कुलहरी, ओमेंद्र चारण, सरजीत चौधरी, राजेश दहिया, मंजू सैनी, प्रकाश चंद्र सैनी, मनीष शर्मा, नरेंद्र पूनिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कौन कौन सी सातों विधानसभाओं में जा रहा हूँ? अभी मंडावा था, उससे पहले झुंझुनू था, अभी नवलगढ़ हूँ, अभी उदयपुर बाटी जा रहा हूँ, फिर खेतड़ी भी। नवलगढ़ हॉट सीट है, आजादी के बाद भी आज तक यहाँ इस बार जीत रही है 100%। इन्होंने संकल्प लिया इस बार नवलगढ़ 100% जीतेंगे। जीत के बाद मैं यहाँ इनको बधाई देने भी आऊंगा। बीच में